दिस इज श्वेता एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब ट्यूटोरियल स्टेप्स बायोलॉजी। सो आज की क्लास पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी। ओके, जो कि बायो प्लस टेक्नोलॉजी मिलकर होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी की पोर्शन से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे फॉर द कॉमन पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन टेस्ट 2021। तो ये वीडियो तो भाई आप जितनी भी पेपर्स दे रहे हो, बायोलॉजी की, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस का पेपर हो गया, सारे में आता है क्वेश्चन इसका। तो ये एक कॉमन पेपर है, ओके, जो कि आप लोग को प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग जूलॉजी वाले हो तब भी ये वाला वीडियो देखो, बॉटनी वाले हो तो भी मिस मत करना, एंड अगर आप लोग लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल भी मिस मत करो ये वीडियो को। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है सेशन पे, एंड अगर आप लोग ये वीडियो पे नए हो देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लो स्नेप्स बायोलॉजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ फर्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर। एंड और एक बात कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे ये वीडियो की जितनी भी क्वेश्चंस है पीडीएफ जा रहा है वहाँ पे। तो अगर आप लोग ज्वाइन हो जाते हो तो आप लोगों को ही इजी होगा क्वेश्चन एंड आंसर को प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत हो गई बातचीत, चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन को। सो क्वेश्चन नंबर वन इज प्रोटीन इंजीनियरिंग इज यूज टू स्टडी द प्रोटीन्स टू कंपेयर द कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट। ओके, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखो तो प्रोटीन इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। ये कौन से काम पे बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ओके, किसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करता है ये वाला। तो ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन ए इज़ नॉर्मल एंड म्यूटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम, बी इज़ नॉर्मल फॉर्म ऑफ एंजाइम और म्यूटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम और नॉर्मल एंड म्यूटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इट कंपेयर द कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल एंड म्यूटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, प्लास्मिड्स दैट कैरी जीन्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड व्हाट। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, प्लास्मिड की बात कर रहा है, ओके, एंड दैट कैरीज द जीन टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, किसे देगा, एंटीबायोटिक्स को, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो ऑप्शंस को देखो, आर प्लाज्मिड, सी प्लाज्मिड, ए प्लाज्मिड और टी आई प्लाज्मिड। आंसर हो जाएगा आर प्लाज्मिड, ठीक है ना। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री इज डीएनए सिक्वेंसिंग इज व्हाट। ओके, तो डीएनए सिक्वेंसिंग की बात कर रहा है, देखेंगे पॉइंट क्या रिलेट कर रहा है डीएनए सिक्वेंसिंग के साथ। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शंस को अच्छे से देखें तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड और बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, यही होगा करेक्ट ऑप्शन। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, इसलिए मैं बस आपको क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगी। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है या एक्सप्लेनेशन चाहिए देन जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स पे एंड कमेंट कर लो कि मैम ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझाओ, तुरंत आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर इज सेल्स इन विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाइज इज व्हाट। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट इज व्हाट आर डीएनए मल्टीप्लाई करता है, ई कोलाई, वायरस, फंजाई और एल्जी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई कोलाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नोट डाउन कर लो आंसर को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ह्यूमन जीन इन अ बैक्टीरियम सी डी एन ए दैट इज साइटोप्लाज्मिक डी एन ए मस्ट बी मेड बिकॉज बैक्टीरिया व्हाट। ओके, तो सी डी एन ए मस्ट वो होगा, फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, ओके, इस बैक्टीरिया में क्या होता है। तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, बैक्टीरिया कैन नॉट रिमूव द इंट्रॉन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्सेप्ट व्हाट। देखो हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक्सेप्शनल चीज़ से ही क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे बात करा है स्टिकी एंड्स की, जो कि प्रोड्यूस तो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बट कहाँ से नहीं होता, ये क्वेश्चन पे दिया है। तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो एंड बताओ मुझे जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर होगा SMAI, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राइमर DNA एंड mRNA हाइब्रिड्स आर मेड बाय यूजिंग व्हाट? तो यहाँ पे बात कर रहा है प्राइमर DNA की एंड mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA की। तो ये दोनों कहाँ से फॉर्म होते हैं, कौन इसे फॉर्म करता है या थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता है? तो ये होते हैं भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट? ओके तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन साइट की बात करा है यहाँ पे। तो देखो ऑप्शंस को अच्छे से, ये सारे क्या है, ये सारे नाइट्रोजिनेसेस है ना, तो कौन सा वाला होगा, थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालो। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ATGC-AT, ये हो जाएगा आंसर। ओके सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड ब्लंट एंड्स? इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस को देखो अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों, यही हो जाएगा आंसर। तो हम लोग तो तीनों नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से आ जा क्वेश्चन नंबर 10, तो कहाँ पे है, जल्दी से आ जा भाई। आ गया क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक दैट एनेबल्स द क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स? ओके तो टिश्यू कल्चर टेक्निक की बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है जो कि प्लांट क्लोनिंग पे हेल्प करता है? तो ऑप्शंस को पढ़ना अच्छे से, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी। यहाँ पे होगा क्योंकि प्लांट सेल्स टोटिपोटेंट रहते हैं, प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट, सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बिटवीन निकोटियाना ग्लायुका एंड निकोटियाना लैंगस्डॉर्फी वॉज ऑब्टेन्ड बाय हुम? कौन से साइंटिस्ट दिए थे ये दोनों के बीच जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की कंसेप्ट? तो इसको दिए थे भाई कैल्सन। ओके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ जेनोमिक लाइब्रेरी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ व्हाट? तो जेनोमिक लाइब्रेरी किसे बोलते हैं? ऑप्शंस को अच्छे से देखो। तो देखो लाइब्रेरी व्हाट इज देयर, तो क्या होगा आंसर, कुछ कलेक्शन वगैरह होगा क्या? ये सारे ना कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया, ये जो ए बी एंड सी पे ये जो कलेक्शन वाला टर्म है ना, ये नहीं होगा। ठीक है ये थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट बात करेंगे यहाँ पे। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कल्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट कंटेन DNA फ्रैगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज व्हाट? ओके सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे क्या होता है? तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हेल्प्ड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और ऑल ऑफ द अबव। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कब हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, जब ये तीनों प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट करता है स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए, ये रिड्यूस कर लेता है उसके केमिकल पेस्टिसाइड की जो इफेक्ट रहते हैं, एंड ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो ये तीनों को मिला के हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम व्हाट? ओके तो किसके बीच में लिंक हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर? कौन करेगा? देखो अभी ऑप्शन में ढूंढेंगे हम लोग कौन करता है ये वाला काम। तो ये वाला काम करता है क्योंकि यहाँ पे लिंक वर्ड है लिंक, तो क्या हो जाएगा एंजाइम, लाइगेज ना, लाइगेज हमेशा जितनी भी जॉइंट वाला काम करेगा, इसलिए उसको ग्लू भी बोलते हैं, याद है या नहीं? ठीक है सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
A procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium is called what? ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है. देखो कौन से प्रोसीजर पे DNA को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरियम पे, कौन सा वाला प्रोसेस था वो? ये फर्स्ट ईयर पे था. ओके, अब वो अलग बात है कि आप लोग याद, आप लोगों को याद है या नहीं. हम लोग तो मैम फर्स्ट ईयर पे पढ़े थे, अभी हम लोग फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे के आए हैं. दो तीन साल एकदम कॉलेज में एकदम मस्ती वगैरह करके आए हैं. क्या मैम आप वो फर्स्ट ईयर की चीज़ फिर से याद दिला रही हो? भाई तीनों ईयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग को जितनी 6 सेमेस्टर का आप लोग का सिलेबस कवर करना है, ओके, इसीलिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं MCQs को लेके. तो जल्दी से बताओ तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या होगा. तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नोट डाउन कर लो जल्दी से. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को. द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट? तो DNA की कट कौन करता है? कटिंग ऑफ DNA कौन करेगा? जल्दी से बताइए. बहुत इजी वाला क्वेश्चन है एंड ये करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है? ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्लास्मिड वेक्टर इज क्लिप्ड बाय होम. यहाँ पे बात करा है प्लास्मिड वेक्टर की. तो प्लास्मिड वेक्टर पे क्लीवेज और क्लीव कौन करता है? तो ये काम करेगा भाई वही एंडोन्यूक्लियस, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस दैट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट? तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है, यही टर्म को ध्यान देना है. एंड जो कि सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को. द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग टू ऑफ प्राइमर्स इज नोन एज व्हाट? तो क्वेश्चन बहुत लंबा आ गया यहाँ पे बच्चे लोगों, यहाँ पे ही गलत कर देते हो आप लोग कि क्वेश्चन इतना लंबा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता. मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन अगर लंबा है तो वो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, बस उसे अच्छे से पेशेंस रख के दिमाग में उसे रीड करना है, उसे समझना है क्वेश्चन को, ठीक है ना? ये बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं होता कि क्वेश्चन लंबा है मीन्स क्वेश्चन हार्ड होगा. ये एकदम से गलत वाला कंसेप्ट है, ओके? तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है. क्वेश्चन चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों ना दे दिया हो, क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है? चलो ऑप्शंस को देखो. PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और जेनेटिक प्रिंटिंग. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा PCR. सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20. Nowadays द मोस्ट कॉमन यूज्ड मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज व्हाट? ओके, सो अभी की बात कर रहा है Nowadays, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कौन सा वाला मैट्रिक्स और केमिकल और यूज होता है? सो ऑप्शन ए इज एगारोस, बी इज एथिडियम ब्रोमाइड, सी सल्फेट ब्रोमाइड और डी सल्फाइट ब्रोमाइड. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एगारोस जेल. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन आन एलन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट दिस एलन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? देखो एक डीएनए आके वहाँ पे लिंक होगा, देन वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा. जब वो रेप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, उसकी मल्टीपल्स निकलेंगे, वो अपनी तरह बहुत सारे ऐसे डीएनए वो निकालेगा, उसी को ही तो रेप्लिकेशन बोलते हैं ना. तो ये सारे प्रोसेस जितने भी हो गया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोनिंग प्रोसेस, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 22. इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द प्लास्मिड वेक्टर डीएनए इज क्लीव्ड बाय व्हाट? ओके, तो प्लास्मिड वेक्टर डीएनए को क्लीव कौन करता है? अभी हमने जस्ट यही वाला क्वेश्चन को किया है, दैट इज द आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी एंडोन्यूक्लियस. कटिंग वर्ड आता है और क्लीव वर्ड आता है, मीन्स वहाँ पे बिना सोचे समझे लिख लो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23.
The bacterial resistance to antibiotics is a genetic qualification present in where? Okay. So, ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो एंड आंसर्स को भी एंड ऑप्शंस को भी पढ़ो तो ज़रा अच्छे से. एंड मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा प्लाज्मिड. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को और एक बार देखो. द बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स इज अ जेनेटिक क्वालिफिकेशन प्रेजेंट इन वेयर. ओके, तो ये आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड. ये द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24 इज प्लाज्मिड दैट हैज द एबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग इनटू द बैक्टीरियल डीएनए आर कॉल्ड व्हाट. तो प्लाज्मिड उसके पास क्या कैपेबिलिटी होगी कि वो खुद को इंटीग्रेट कर लेगा कहाँ पे, बैक्टीरियल डीएनए पे. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एप्लोजोम. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25 अ जीन कैरीड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज क्लोन्ड व्हेन. ओके, वो क्लोनिंग प्रोसेस कब होता है. When its host bacterium divides by binary fission. So here the option number A is correct. देखो बहुत ही easy question है. ठीक है, यहाँ पे just हम लोग basics को clear करें, concept को clear करें, तभी जाके हम लोग hard वाला question को easily attend कर सकते हैं. ठीक, चलो question number 26 is DNA of plasmid is what. ये तो मुझे बताओ. तो भाई डी प्लाज्मिड के डीएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है या लीनियर होता है या सर्कुलर होता है. जल्दी से कमेंट करके मुझे क्वेश्चन नंबर 26 की आंसर लिखो तो मुझे भी सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा कि चलो अच्छा है बच्चों कुछ पढ़ रहे हो. अगर गलत आंसर दोगे तो कोई नहीं, मैं आपको आंसर बता दूंगी. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मुझे लिख के बताओ कॉमेंट सेक्शन पे. तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को. Renate enzyme obtained from calf stomach was reported by whom. Okay, तो scientist का name पूछ रहा है यहाँ पे and बात कर रहा है Renate enzyme जो कि calf stomach पे होता है. तो here the correct option is the option number B, that is Christian Graham जो थे वो ये चीज़ को first time observe किए थे और report किए थे. here the option number B is correct. Question number 28 is retroviruses in animals have the ability to transfer normal cells into what. बात कर रहा है यहाँ पे retroviruses की. ठीक है, retrovirus क्या करता है, वो transform करता है normal cell को. किस कहाँ पे वो transfer करता है, ये आ गया question. तो वो transfer करता है cancerous cell, that is option number D is correct. अच्छे से note down करते रहो क्योंकि जब telegram group पे इसका PDF आ जाएगा तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे. चलो फिर जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को. क्वेश्चन नंबर 29 इज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वू. ओके, सो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे बोलते हैं जल्दी से देखो. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जेफरी. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30 इज जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इंडिविजुअल सेल और जीन इज नोन एज व्हाट. कोई भी सेल या जीन की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम उसे बोलते हैं क्लोन, है या नहीं, क्लोन बोलते हैं. सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31 द टेक्निक ऑफ ब्रेकेज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट एंड इंसर्टिंग इट इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक डीएनए फ्रैगमेंट को फर्स्ट हम लोग ब्रेक करेंगे देन उसे इंसर्ट करेंगे और एक डीएनए मॉलिक्यूल पे. तो ये किसके साथ रिलेटेड है, ये चारों ऑप्शन में से, जीन स्प्लाइसिंग, जीन क्लोनिंग, जीन टाइपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो इसे बोलते हैं जीन क्लोनिंग. सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32 द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन अ सेल इज कॉल्ड व्हाट. यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अच्छे से. नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन इसी को ही पढ़ना है और कुछ नहीं है ये वाला क्वेश्चन पे. एक सेल में जो प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन. तो अच्छे से देखो, जीन डोसेज या जीन पूल, जीन एम्प्लीफिकेशन और जीन फ्रीक्वेंसी. तो बात करें यहाँ पे नंबर की, तो आंसर क्या होगा, जीन डोसेज. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलो जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को. टाइप वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से कौन सा वाला सेंटेंस ये सेंटेंस के साथ रिलेटेड है. टाइप वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी या कुछ ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है. देखेंगे ऑप्शंस को देखो अच्छे से तब पता चल जाएगा आंसर.
तो यहाँ से अगर आप लोग ऑप्शंस को स्टडी करो तो ऑप्शन नंबर सी को ज़रा बच्चों अच्छे से देखो। तो बेटा बेटा ज़रा अच्छे से देखो ऑप्शन नंबर सी को। रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस बट क्लीव नॉन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक टाइप वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनमें से कौन सा वाला नॉट एसोसिएटेड एसोसिएटेड नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड्स, एटीपीएज और हिस्टोन्स। तो एटीपीएज की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है, एटीपीएज क्या करेगा, ये तो फिजियोलॉजी पे फंक्शन करता है ना। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 वी एन टी आर एस आर वर्ड, तो यहाँ पे जस्ट आपको फुल फॉर्म पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। अच्छे से देखो, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। टाइम नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचा है एग्जाम के लिए। तुरंत देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, दैट इज नोन एज व्हाट। तो रेप्लिकेशन को वो इनिशिएट होता है वहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं। देखो ये वाला कितना इजी वाला क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन जहाँ पे स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI भी बोलते हैं, ओरी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पे। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 इज द कटिंग ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA। ये हमें पता है कि DNA को अगर हम लोग कट करेंगे, DNA को अगर हम लोग कट करेंगे किसकी वजह से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, तो हम लोग को फ्रैगमेंट मिलेगा DNA की। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। दिस फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक्स नोन एज व्हाट। तो ये जितने भी फ्रैगमेंट्स हम लोग को मिलेंगे इसे हम लोग सेपरेट करते हैं जो टेक्निक से, वो टेक्निक को क्या बोलते हैं। PCR, SDS पेज, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 38 इज यू कैन सी अ ब्राइट ऑरेंज कॉलर्ड बैंड्स ऑफ DNA इन अ इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू व्हाट। तो देखो भाई यहाँ पे ये कि रेस की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ऑप्शन में दिया है, बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सरेज, सन रेज, यूवी रेज और गामा रेज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूवी रेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बात कर रहा है कॉलर ब्राइट कॉलर्ड ऑरेंज बैंड्स ऑफ DNA की। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूवी रेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट आर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन, ईस्ट फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। इथानॉल एंड एसिटिक एसिड, ब्यूटानॉल, ग्लिसरॉल एंड पायरिक एसिड, फिनाइल इथानॉल, एमाइल अल्कोहल और कैप्रोइक एसिड और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे के सारे ही निकलते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज विच रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टेरियम व्हाट। तो यहाँ पे हमें बैक्टेरियम की नेम पूछ रहा है ये, तो कौन सा वाला बैक्टीरिया होता है। देखो अच्छे से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन लेंदी है बट ईजी है। अ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज विच रिमेन्स एक्टिव, वो एक्टिव ही रहेगा ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड DNA इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरिया। तो वो जो DNA रहता है उसे एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया हुआ रहता है। तो वो बैक्टेरियम की नाम क्या है, तो वो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस। ओके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 40 क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, कौन से पार्ट का क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए,
जो जो आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके हम लोग को कमेंट कीजिए, तभी जाके पता चलेगा ना, क्योंकि ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है इसकी जो एक ज़रिया है इंटरेक्शन की वो होता है कमेंट बॉक्स। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है कॉमन पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन टेस्ट को लेके प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके हमें कमेंट करें, तब जाके हम आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 41, हु एस्टैब्लिशेस द साइंटिफिक बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन ये वाला किसके साथ टर्म, ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, देखो जी कोहलर, सीहर माइल्स्टीन, लुईस पाश्चर और एडवर्ड जेनर। तो ये टर्म एसोसिएटेड है जे कोहलर, ठीक है। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। ठीक है, यहाँ तक इतना बात कर रहा है कि 1963 पे दो एंजाइम को आइसोलेट किया गया था। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डी एन ए वाइल द अदर कॉट डी एन ए, द लेटर वॉज कॉल्ड वट। लेटर मीन्स किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, द अदर कट डी एन ए, तो इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन को देखो, कट, कट वर्ड आ गया, मीन्स कौन सा वाला एंजाइम होगा, बिना सोचे समझे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो क्वेश्चन कितना लंबा था बट कितना ईजी वाला था। क्वेश्चन नंबर 43, What are important products of yeast formation? तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर वही होगा, जस्ट अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 44, और एक लंबा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन PCR शॉर्ट प्राइमर्स आर एडेड टू सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड द अप्रोप्रिएट एंजाइम्स आर इंड्यूस्ड टू मेक अ कॉपी ऑफ द DNA, ठीक है, और एक DNA की कॉपी यहाँ पे बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमर्स इज नीडेड फॉर द कॉपिंग द सिंगल स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे एक DNA की सीक्वेंस आप लोगों को दिया है, इसके लिए हमें प्राइमर चाहिए, तो वो प्राइमर की सीक्वेंस क्या होगी, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये कैसा एक ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दिया है 5 days, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 days, है या नहीं। तो प्राइमर कहाँ से लगेगा, प्राइमर पे जो लगेगा, तो प्राइमर की 5 days जो है वो 3 days के नीचे ही रहेगा। गॉट इट और नॉट। देखो 3 days ऑपोजिट साइड में हो जाता है ना, एंटी पैरेलल नेचर रहते हैं दो स्ट्रैंड जो होते हैं। सो 3 days के नीचे में ही 5 days स्ट्रैंड लगेगा, तो 5 days स्ट्रैंड यहाँ पर अगर लग जाता है तो अभी सोचो कि यहाँ पर सी है, ठीक है, तो C की अपोजिट क्या होगी, G, फिर T की अपोजिट हो जाएगी A, फिर G G है तो यहाँ पे C C में लिखूँगी एंड T। तो ये वाला कहाँ, कौन से वाले ऑप्शन पे है ज़रा अच्छे से देखो, तो G A C C T, ये वाला है ऑप्शन नंबर B। अच्छे से समझ में आ गया। फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन पे जो सीक्वेंस दिया है उसे देखोगे, फिर आप लोग को देखना है कि कहाँ पे 5 days एंड है एंड कहाँ पे 3 days एंड है, एंड हमेशा ये एंटी पैरेलल नेचर रहते हैं, मीन्स जहाँ पे 5 days होगा वहाँ पे 3 days लगेगा एंड जहाँ पे 3 days होगा वहाँ पे 5 days लगेगा। तो उसी हिसाब से तब देन आफ्टर आप क्या करोगे, जो नाइट्रोजीनियस बेस हमने पढ़ा था कि ए के साथ हमेशा टी लगता है, जी के साथ सी लगता है, उसी के हिसाब से आप लोग को एक न्यू सीक्वेंस फॉर्म करना है एंड देन उसी सीक्वेंस को आप लोग को ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन पे दिया है, इतनी सी काम है, देन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोसीजर इन विच DNA फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन ट्रांसफर ऑन टू अ फिल्टर फॉर रेडियो एक्टिव प्रोबिंग इज नोन एज व्हाट। तो ये टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ओके, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी पेपर का आप लोग अपीयर करो ना, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 इज, एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद होम। ओके, तो एंटीबायोटिक किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक DNA, ब्लॉकिंग ऑफ ETS,
इनिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस और नन ऑफ द अबव, तो ये हमेशा एसोसिएटेड रहता है ब्लॉटिंग और ब्लॉकिंग ऑफ ईटीएस। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 47 को, मेगा प्लाज्मिड इज फाउंड इन वे, तो यहाँ पे बात करें मेगा प्लाज्मिड की, ये कहाँ पे रहता है ये चारों ऑप्शन में से, तो ये रहता है ई कोलाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ई कोलाई में हमेशा रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, मेन फेनोमेनन ऑन विच जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेस्ड इज कॉल्ड व्हाट, तो कौन से फेनोमेनन पे जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड है, ओके, अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल्स, इंसर्शन ऑफ प्लाज्मिड इन सेल्स, अल्टरेशन इन सेल ऑर्गेनेल्स और जॉइनिंग ऑफ टू सेल्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मेन बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो होता है अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ सेल, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, टू प्रिवेंट रीसर्कुलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे पूरा आप लोग को सेंटेंस दे दिया है, जस्ट आपको टर्म फाइंड करना है कि ये जो दो लाइन की सेंटेंस आप लोग को दिया है इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आर यूज्ड, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आर यूज्ड, एसिड फॉस्फेटेज आर यूज्ड और ऑल ऑफ द अबव, ये प्रोसेस होने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सो हियर द आंसर विल बी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके, अल्कलाइन फॉस्फेट हमेशा यूज होता है, सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 इज सिंथेटिक डीएनए और एस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन वेयर, ये देखो ये जो एस डीएनए और सिंथेसाइज डीएनए है ना, इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, जितनी भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करने जाओ एस डीएनए और सिंथेटिक डीएनए का एक ना एक क्वेश्चन तो होगा मस्ट। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं लैब पे, ठीक है, लैब बट विदाउट एनी टेम्पलेट, यही खासियत है इनकी कि ये लैबोरेटोरी में सिंथेसाइज्ड होते हैं बट विदाउट एनी टेम्पलेट, ठीक है, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मॉलिकुलर क्लोनिंग इज व्हाट, मॉलिकुलर क्लोनिंग इनमें से किसे हम लोग बोलेंगे, तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड द होस्ट सेल, ट्रांसडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, म्यूटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो मॉलिकुलर क्लोनिंग हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड द होस्ट सेल, ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन अ पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज कॉल्ड व्हाट, तो प्रोटीन्स की सेपरेशन होगा वो कहाँ पे होता है, वो ब्लॉटिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं, जिसमें कि और एक पॉइंट भी यहाँ पे आप लोगों को दिया है, देखो पॉलीएक्रिलामाइड जेल, तो ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट बोलो तो मुझे ज़रा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके, अच्छे से याद रखो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 53 इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम वेयर, ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट टाइम कहाँ से आइसोलेट किया गया था, उसे आइसोलेट किया गया था ई कोलाई बैक्टीरिया से, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय होम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसने डिस्कवर्ड किया था, देखो ये सारे देखने में बहुत ईजी लग रहे हैं आप लोग को, बट यही चीज़ ना आपके साथ एग्जाम पे खेल खेलने वाले हैं, वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पे कौन से साइंटिस्ट थे, ये वाला चीज़ पे कौन से साइंटिस्ट हैं, तो इसीलिए अभी से वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी से रिवाइज करो और सिर्फ 7-8 डेज देर, ओके, बहुत ही कम दिन है एग्जाम के लिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे सिंगर एंड निकोलसन, देखो ऑप्शन नंबर सी को देखो अच्छे से, सिंगर एंड निकोलसन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर इन 1993, किसे नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर जो कि 1993 पे अवार्डेड हुआ था, सो द ऑप्शन नंबर ए इज फिलिप सार्फ, बी इज केरी म्यूलिस, सी इज माइलस्टेन और डी इज नीरेनबर्ग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या होगा, फिलिप शार्प, ठीक है, फिलिप शार्प, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 56, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज दे आर व्हाट, तो ऐसे क्या खासियत है इनमें जो कि इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस पे यूज़ किया जाता है, सो अच्छे से देखो तो ऑप्शंस को,
कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? हियर द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करने में ज़्यादातर हेल्प होते हैं ना, दे कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इट इज़ प्रीफरेबल टू यूज ईस्ट रेदर दैन बैक्टीरिया एज रेसिपिएंट सेल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए बिकॉज ईस्ट कैन व्हाट। तो बैक्टीरिया को रिप्लेस करके हम ईस्ट को यूज़ करते हैं फॉर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। क्यों? ईस्ट में ऐसा क्या स्पेशल चीज़ होता है? सो वही ढूंढेंगे ऑप्शन में से कि क्या स्पेशल बात होता है ईस्ट में। वो स्पेशल बात है दे कैन एक्साइज द इंट्रॉन्स फ्रॉम द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पीसीआर स्टैंड फॉर वर्ड, देखो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ये मुझे आप लिख के बताओ, इतना तो आप कर ही सकते हो श्वेता मैम के लिए। जल्दी से पीसीआर का फुल फॉर्म लिख के बताओ तो मुझे कमेंट सेक्शन पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू व्हाट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल क्या है डीएनए टेक्नोलॉजी पे? अभी अभी हमने बात की जेनेटिक इंजीनियरिंग पे क्या क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन पे दिया है डीएनए टेक्नोलॉजी पे क्या रोल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इट प्रोड्यूस अ कट एट अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑन डीएनए। देखो मैं बोली थी ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्ड है, मीन्स वहाँ पे और एक वर्ड आ जाएगा कट और कटिंग और क्लिफ। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब सोच के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है सेशन? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, जितने बच्चे ये वीडियो को देख रहे हो ना डबल शेयर होना चाहिए। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कंप्लीमेंटरी डीएनए डज नॉट क्रिएट अ कंप्लीट जीन लाइब्रेरी एज द शॉटगन अप्रोच बिकॉज ऑफ व्हाट। ओके सो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल प्रोड्यूस mRNA फॉर ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स जीन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो कमेंट पे जाके लिख लो भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताऊँगी। 61 नंबर क्वेश्चन, बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 हैज़ बीन इंक्रीज टू अबाउट 20,000 टाइम्स। ओके सो कहाँ पे, कौन से बैक्टीरिया पे बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ हुआ था जिसके वजह से कि जो विटामिन B12 प्रोडक्शन हुआ था वो 20,000 टाइम ज़्यादा हो रहा था? तो वो हो रहा था भाई एस्वियागोसिपी। देखो अच्छे से ध्यान दो, टर्म थोड़ा सा हार्ड है, एस्वियागोसिपी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 इज द फ्रूट जूस बिकम बिटर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम्स, दिस इज ड्यू टू व्हाट। ओके तो जो फल का रस होता है, फ्रूट जूस जो होता है, उसे अगर बाहर हम लोग कुछ देर के लिए रख लें तो वो थोड़ा सा काढ़ा टाइप हो जाता है, बिटर टेस्ट आता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 इज एंटीबायोटिक यूज्ड अगेंस्ट माइकोसिस डिजीज इज व्हाट। तो माइकोसिस डिजीज के लिए कौन सा वाला एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है ग्रीसियोफॉल्विन, ग्रीसियोफॉल्विन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंसर्स को अच्छे से नोट डाउन करते रहो। क्वेश्चन नंबर 64, ऑर्गेनिक एसिड फर्स्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्मेंटेशन इज व्हाट। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लैक्टिक एसिड, है या नहीं? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? लैक्टिक एसिड, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीवरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरोपियन राई। ओके सो देखो भाई बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, यूरोपियन राई कौन सा वाला बीवरेज प्रोड्यूस किया गया था और ऑब्टेंड किया गया था, दैट इज गिन, GIN गिन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज व्हाट। देखो क्वेश्चन बहुत ही छोटा वाला है बट बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज़ अ
alpha 1 antitrypsin is an enzyme. Okay, so option number B is correct. Chalo, question number 67. An artificial seed is raised from where? तो आर्टिफिशियल सीड कहाँ से निकलेगा और कहाँ से निकाला जाता है? तो ये होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोमाटिक एम्ब्रियो, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 68. इन आरएनएआई जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग व्हाट? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दैट इज डीएसआरएनए. सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 69 इज द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थरिंजेनेसिस इज व्हाट? ओके, तो जो बैसिलस थरिंजेनेसिस है उसकी एक्टिवेशन के लिए ट्रिगर कौन सा वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे आ जाएगा हाई टेम्परेचर. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे. क्वेश्चन नंबर 70 कुछ अलग तरह से है. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कॉलम ऑफ बैक्टीरिया एंड दे कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स. ओके, तो हमें मैच करना है यहाँ पे, कोई नहीं करेंगे मैच. क्या है? चलो मैच करते हैं. ऑप्शन कॉलम ए पे दिया है आपका बैक्टीरिया का नाम एंड कॉलम टू पे दिया है कि कमर्शियली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट क्या निकलता है उनमें से. तो एक को फर्स्ट इजी वाले को देखेंगे, एस्परजिलस नाइगर. वो क्या प्रोडक्ट निकलता है? एस्परजिलस नाइगर से हमेशा निकलेगा साइट्रिक एसिड. ओके, तो ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया. तो ए का 4 अगर हो गया, फर्स्ट हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कहाँ कहाँ पे ए का 4 है. तो ऑप्शन सी को देखो यहाँ पे अच्छे से, और किसी का नहीं है यहाँ पे, ए का 4 है. सो दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट. देखो कितना इजीली हमने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर दी. ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 71 इज सोर्स ऑफ जीन्स फॉर हाई विटामिन कंटेंट इन गोल्डन राइस इज. गोल्डन राइस की तो बात ही गोल्डन की तरह है, ये हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे आता है ये वाला क्वेश्चन. तो सोर्स क्या है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि डैफोडिलिस एंड एरविनिया ये दोनों ही आंसर है इसकी. सो इसीलिए हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी को. ओके, क्वेश्चन नंबर 72 इज नोन एज द सुपर बग. इनमें से किसको सुपर बग बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं भाई? देखो ऑप्शंस को अच्छे से, स्यूडोमोनास, ईकोलाई, एस्परजिलस या एसिटोबैक्टर. तो एस्परजिलस नाइगर को बोलते हैं. ठीक है, एस्परजिलस को बोलते हैं सुपर बग. चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे. विच वन इज कॉल्ड वाइन ईस्ट? वाइन ईस्ट किसे बोलते हैं? देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो वाइन ईस्ट बोलते हैं सैकेरोमाइसिस को. किसे बोलते हैं? सैकेरोमाइसिस सर्विसे, एस सी. इस तरह से याद रख लो, एस सी, सैकेरोमाइसिस सर्विसे. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 74, अ बायोरिएक्टर इज व्हाट? तो बायोरिएक्टर क्या है? तो बायोरिएक्टर होता है एक फर्मेंटेशन टैंक होता है, जिसे कि हम लोग बायोरिएक्टर बोलते हैं. ओके, नॉर्मली उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बायो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है एंड उसकी शेप इस तरह से एक टैंक की तरह होता है. ठीक, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 75, विच बीटी क्रॉप इज रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्टन. बीटी कर्टन हम लोग पढ़ रहे थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो बीटी कर्टन हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को. रेड बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू फॉर? तो यहाँ पे बात करा है किसकी? रेड बायोटेक्नोलॉजी. स्पेशली ये कहाँ पे अप्लाइड होता है, अप्लाई किया जा रहा, स्पेशली ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है मेडिकल प्रोसेसेस पे. हमेशा याद रखो, रेड बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होता है मेडिकल प्रोसेसेस पे. सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 77, द स्लो राइपनिंग ट्रांसजेनिक टमाटो वॉज डेवलप्ड इन USA बाई यूजिंग व्हाट? ओके, सो स्लो राइपनिंग ट्रांसजेनिक टमाटो की बात करा है, जो कि USA में डेवलप किया गया था. कौन से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके? तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी और राइबोसाइम टेक्नोलॉजी और को सेपरेशन अप्रोच और ट्रांसजेन साइलेंसिंग अप्रोच. तो
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। ओके, अच्छे से ऑप्शंस को करके जाओ भाई, क्योंकि एमसीक्यूज है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, इसीलिए बोल रही हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस को 2-3 बार देखो वीडियो को, देन टेलीग्राम ग्रुप पे जो पीडीएफ आएगा उसमें से भी प्रैक्टिस करो। ओके, बहुत कम दिन बचे हैं, दिन रात एक करके पढ़ना है अभी हम लोगों को। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, एन एंजाइम यूज्ड इन चीज मेकिंग। चीज किसे किसे पसंद है? ओके, जल्दी से कमेंट भी लिखो तो भाई, किसे किसे चीज पसंद है एंड चीज की कौन कौन सा आइटम कौन कौन खाए हो, मुझे भी तो थोड़ा सा पता चले। ठीक है, सो खाने की बात को साइड में रख के हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चीज़ बनाने के लिए कौन सा वाला एंजाइम को यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 79, वैक्समैन एंड वुडराफ वेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ व्हाट। दो साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों ने क्या काम किया था, किसे आइसोलेट किए थे ये दोनों ने 1941 पे? तो इन्होंने काम किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन पे। किस पे? स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 इज द एंटीबायोटिक्स ऑफ फंगल ओरिजिन आर व्हाट। ओके, एंटीबायोटिक्स ऑफ फंगल ओरिजिन, इनमें से देखो तो ढूंढो फंगल ओरिजिन पे कौन सा वाला एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन तो एक है, ये पता है हमें, एंड और एक भी है सेफालोस्पोरिन। ठीक है, सो हियर द ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट। तो हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ओके, सो फाइनली हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो लो भाई, कंप्लीट हो गया 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर बायोटेक्नोलॉजी पेपर। सो अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास पे और कुछ नए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आपका काम है कि सेशन को अच्छे से देखो एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे आ सकता है। ठीक है, एंड अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप लोग चैनल पे नए हो और वीडियो पे नए हो देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज स्नेप्स बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ फर्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर। हम लोग इंस्टा एंड फेसबुक पे भी हैं, अगर आप लोग वहाँ पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं देन जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहाँ पे, एंड कनेक्ट करिए हमारे साथ। टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट करिए ताकि आप लोग और कुछ ज़्यादा नोटिफिकेशन पा सकें ये चैनल को लेके, सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।